बाबा धर्म और संसार में दोनों में बाबा संतुलन बना के कैसे जी सकते हैं? या तो बाबा बोले हम आश्रम में रहेंगे, संसार से लेना देना नहीं है, या फिर संसार में धर्म अहंकार की दौड़ में या धन कमाने में लग जाते हैं कि भी धर्म से लेना देना नहीं है। तो बाबा दोनों में संतुलन बना के क्या पॉसिबल है इस तरह से जीना बाबा? और कैसे जिया जाए बाबा दोनों का संतुलन बना के, एक तरफा एक अति बने जिए बाबा? हम तो जीते हैं पहले तो आप उपलब्ध हो गए ना बाबा? से संतुलन तो बना रहता है। जीवन में मजा है, संतुलन पे ही मजा। समझ नहीं, मोबाइल आ गया। ये मोबाइल आगे रखो। हाँ इधर आगे, इधर आगे। जीवन में जो आनंद है इस बात से नहीं कि संसार और परमात्मा, जीवन की हर घटना में संतुलन का ही मजा। हम जो पैदा हुए थे तो परमात्मा ने हमको एक संतुलन में पैदा किया। असली में बंद हो नहीं बंद कर, ये तो छोटी छोटी बातें हैं कि संसार में धर्म में संतुलन बिठाना एक छोटी सी बात है। असली में हम एक अस्तित्व परमात्मा के, हम परमात्मा के अस्तित्व, हमको व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, हमको अस्तित्व मानना चाहिए। और अस्तित्व पेड़ का भी है, पौधे का भी है, फूल का भी है, पत्ते का भी है, स्त्री का भी है, पुरुष का भी है। और अस्तित्व जो है आप हैं, तो हमारा संतुलन हम क्या करते हैं कि जीवन में बहुत नीचे के लेवल से चलने की कोशिश करते हैं कि हम संसार को और धर्म को कैसे संतुलित करें। अब धर्म जो है ना उसका पता कम होता है और संसार का पता ज्यादा होता है निश्चित। और जिसका पता ज्यादा होता है वो खोपड़ी में ज्यादा होता है, जिसका पता नहीं है वो तो करीब करीब ऐसा होता है जैसे है ही नहीं, तो संतुलन तो बिल्कुल नहीं हुआ। और मजा आता संतुलन। तो अगर व्यक्ति ये अनुभव करे, वो ये सब चीजें छोड़ दे, ये संसारी भाषा छोड़ दे, स्त्री पुरुष में संतुलन कैसा होना चाहिए या गृहस्थी में और धर्म में कैसा संतुलन होना चाहिए, ये बातें धरातल की, और इनके उत्तर जो है ना कोई कितने ही दे, इनका कोई मसला हल नहीं होता, कोई उपाय नहीं। ये ऐसा ही चलेगा, ये कहानी ऐसी है, ये ऐसी ही चलती है। असंतुलन से ही संसार चलता है, तुम आश्चर्य करो। संसार जो है पूरा असंतुलन का खेल है। संतुलन जैसे ही खत्म होगा, संतुलन जैसे ही तुम्हारा आएगा जीवन में, वैसे ही तुम्हारा संसार भी खत्म हो जाएगा
और तुम्हारा धर्म भी खत्म होता है। ये दोनों चीजें झूठी, धर्म भी झूठ हमने सीख लिया है और संसार भी हमने सीख लिया है। हम दोनों झूठी चीजों को संतुलित करना चाहते हैं, जो असंभव है। आपने किसी चीज को परिधि से पकड़ने की कोशिश की, परिधि से अगर कोई चीज को सुधारने की कोशिश करोगे तो परिधि कभी सुधरने वाली है, वो हमेशा ऐसी रहेगी जैसी है। जीवन में संतुलन आता है जब अस्तित्व और परमात्मा के बीच में संतुलन आ जाए, तो सब चीजें संतुलित हो जाती हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं होती जो तुम्हें दिखे कि असंतुलन है। तुम कर लो ठोक पीट के संसार को और धर्म को एक संतुलन में लाने की कोशिश करो, तुम्हें पचासों चीजें असंतुलन की दिखेंगी। परिवार में, फिर और भी बाहर, फिर मित्रों में, पता नहीं कहाँ कहाँ तुम संतुलन ढूंढो, तुम कहाँ कहाँ संतुलन बनाने की कोशिश करो, जो असंभव है। और हम चाहते हैं कि संतुलन जहां खड़े हैं वहां हो जाए, तो वहां संतुलन होने वाला है। जीव का जो धर्म है, हम जीव की तरह हैं और जीव का अस्तित्व है। आपका क्या अस्तित्व है? जीव का अस्तित्व है जो आपके अंदर विराजमान है, उसका अस्तित्व है जीव का। और जीव के, जीव है अस्तित्व, और अस्तित्व के और परमात्मा के बीच में संतुलन आना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में संतुलन आ जाएगा तो हर चीज संतुलित हो जाएगी। कोई भी चीज दुनिया की ऐसी नहीं रहेगी जो तुम्हें संतुलित न दिखती है, सब कुछ सुधर जाएगा। अब मान्यता को थोड़ा छोड़ दो, संतुलन सुधारने की बात तो आप सेकेंड स्टेप में आ गई। आप अपने आप को अस्तित्व मान, आप एक क्या हो गहरे से देखो। एक आपके साथ कोई चीज है जो सदा से है, वो है तुम्हारा अस्तित्व। तुम कभी तुम्हारे अस्तित्व को तो नहीं भूल सकती, कभी भूल सकते हो? तुम कहीं भी रहो, नदी में रहो, कुएं में रहो, तालाब में रहो, नरक में रहो, स्वर्ग में रहो, रोते रहो, हंसते रहो, ना रोने में जो खो सकता है और ना जो हंसने में खो सकता है, ना जो बीमारी में खो सकता है, ना स्वास्थ्य में खो सकता है, तुम्हारा अस्तित्व। एक भी जगह तुम ऐसा अनुभव कर सकते हो कि तुम्हारा अस्तित्व के बगैर सब कुछ हो रहा है। जहां भी कुछ हो रहा है तुम्हारा अस्तित्व तो है। तो हमें अपने बोध को हमारे अस्तित्व से जोड़ लेना। हम अपने अस्तित्व को अनुभव करें ज्यादा से ज्यादा, अपने अस्तित्व। और आपके अंदर जो आपका अस्तित्व है, उसकी जो भूख है वो परमात्मा है। तुम्हारी गहरी भूख किसी चीज की नहीं है। जो चीजें तुम सोच रहे हो, जहां तुम संतुलन बनाने की सोच रहे हो या कुछ भी सोच, वो तुम्हारी भूख ही नहीं है। तुम्हें ये ही पता नहीं है कि तुम्हारी असली भूख क्या है, असली प्यास क्या है तुम्हारी। अगर तुम बहुत लौट जाओ अपने अस्तित्व में, तो तुम्हें अगर कोई प्यास है तो परमात्मा की प्यास है और किसी की प्यास नहीं। बहुत गहरे में देखोगे। इसलिए जब तुम हाथ थक जाते हो ना, जब कभी कभार तुम्हारा दिल और दिमाग दो ही काम नहीं करता, तो तुम्हें क्या है? परमात्मा ही याद आता है। क्यों याद आता है परमात्मा? क्योंकि जो गहरी मांग है वो विशेष परिस्थिति में खड़ी होती है। विशेष परिस्थिति, जब परिस्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं होती किसी पर, तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तो अगर आपको परमात्मा की याद ना आए तो आप पागल होने जैसी स्थिति में हो जाओ।
तो उससे बच जाते हो आप, जब आपको वहां परमात्मा की कृपा हो जाए, जो भी हो जाए, परमात्मा की याद उधर आती है। जो मैं कह रहा हूं, यदि आप अस्तित्व को जिएंगे, अपने को, आपका नाम नहीं है कोई, रूप नहीं है कोई, आप नाम रूप से बिल्कुल बाहर की चीज है, आप हैं एक अस्तित्व, क्योंकि तुम्हारा नाम बदला जा सकता है, तुम्हारा रूप भी आज मेडिकल बदल सकता है, औरत को आदमी बना देता है, रूप तो बदला हो सकता है, अभी बड़ा सरल हो गया है, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व को कोई बदल सकता है? जो तुम्हारा अस्तित्व है, जिस अस्तित्व को तुम हमेशा जीते हो, हमेशा तुम्हें बोध नहीं होता, लेकिन तुम जीते तो अस्तित्व को ही हो ना, ये तो पक्की बात है कि अस्तित्वहीन तो तुम नहीं होती, तुम्हारा अस्तित्व बने ही रहता हर जगह। तो उस अस्तित्व की पहचान करो। सबसे ज्यादा मूल्य किसको दो? आपके अस्तित्व को आप सबसे ज्यादा मूल्य दो, व्यक्ति की तरह नहीं, व्यक्ति की तरह नहीं देना, अस्तित्व की तरह, होने की तरह कहो, आपको मूल्य देना। जितना ज्यादा मूल्य कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को देता है, उतना उसे परमात्मा की याद आने लगती है, क्योंकि अस्तित्व की भूख है परमात्मा की याद, वो परमात्मा की याद से ही अस्तित्व, क्योंकि अस्तित्व आपका निकला कहां से है? आपका अस्तित्व परमात्मा से निकला, आप परमात्मा से पैदा हुए हैं, माँ बाप से पैदा नहीं हुए। माँ बाप से तो क्या हो गया था कि आप पे एक लेयर चढ़ गई थी, एक पहचान, एक रूप और एक नाम। हमें माँ बाप से क्या मिलता है? अस्तित्व नहीं मिलता। अस्तित्व तो हम जन्म के पहले था, अगर जन्म के पहले तुम्हारा अस्तित्व नहीं था तो जन्म के बाद तुम्हारा अस्तित्व कहां से हो जाएगा? जो चीज जन्म से ही नहीं है, वो चीज जन्म के बाद नहीं हो सकती। और जो रूप और नाम मिला है वो माँ बाप से, शरीर मिला है माँ बाप से हमको, शरीर हमारा अस्तित्व नहीं है, और नाम मिला है हमें समाज से, जिस समाज में हम रहते हैं, हमारी पहचान, नाम मतलब पहचान, आपकी पहचान, एक रूप और फिर रूप की पहचान। तो आपके माँ बाप ने पहचान दे दी, लड़का है, लड़का है, लड़का है, लड़के हो गए, फिर एक लड़के को आप लड़का लड़का तो नहीं कहने, तो कोई नाम दे दिया तो ये नाम है, फिर तुम फंस गए धीरे धीरे करके, और तुम अपना अस्तित्व जे रूप और नाम मानने लगे। अब रूप और नाम के झमेला में तुम क्या करते हो? संतुलन बिठाने की कोशिश करते हो कि मैं अगर ये हूं तो फिर मैं इसमें अपनी धर्म का संतुलन बना लू, जो बड़ा मुश्किल बनने वाला नहीं, ये पक्की बात। जिस तरह से मैं कह रहा हूं वह बनेगा संतुलन, जिस तरह से मैं बता रहा हूं वह गजब का संतुलन बनता है। इतना संतुलन बनता है, सबसे ज्यादा संतुलन बन जाता है फिर धर्म और संसार का, क्योंकि संसार क्या हो गया आपके लिए? संसार जो है पूरा का पूरा परमात्मा की देह हो जाती है, पूरा संसार। जब आप आपको अस्तित्व मानते हैं तो फिर क्या होता है? आप जिधर भी देखते हो तो आपको कोई नहीं दिखता, अस्तित्व दिखता है। और गहरे से देखो तो हम जब किसी से मिलते हैं तो नाम रूप को हटा दो तो हम उसके अस्तित्व से व्यवहार करते हैं। अगर उसका अस्तित्व नहीं है तो नाम रूप तो पड़ा रहता है, और वो पड़े रहते धरती में धूल चाट पड़ा रहता है ना आदमी, क्योंकि अस्तित्व खो गया। अगर नाम और रूप था तो वो तो था अस्तित्व के जाने के बाद भी, लेकिन अस्तित्व के जाने के बाद तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। और जिस चीज का मतलब मरने के बाद नहीं है, जीने में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो कोई मतलब की चीज, वो काम चलाऊ चीज है, सिर्फ काम चलाऊ, बाकी और कोई मतलब की चीज नहीं है।
तो काम चलाओ चीज पे इतना ध्यान देना, इतना ध्यान देना, और हम अपने अस्तित्व को बिल्कुल ठुकरा देते हैं काम चलाओ चीज से काम चलाते हुए। हम अपने नाम और रूप से गाड़ी चलाते हैं हमारी। अब वो गाड़ी नाम और रूप से चलेगी तो उसकी जड़ें बहुत खोखली रहेंगी, तो जगह जगह से लटक जाएगी, जगह जगह से खड़खड़ा जाएगी, कहीं भी हिल जाएगी, कहीं भी उपद्रव हो जाएगा। आपको अगर सही जिंदगी जीना है तो आप इस गाड़ी को अस्तित्व के द्वारा चलाओ, नाम रूप के द्वारा मत चलाओ। नाम रूप के द्वारा चलाओगे तो ये उपद्रव में तुम्हारी गाड़ी खड़खड़ा नहीं बाजी, फिर देखो संतुलन कैसा बैठता है। ये गाड़ी चलेगी तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बुद्धि अस्तित्व से चलती है। तुम्हें अस्तित्व की पहचान हो गई हो और अस्तित्व के प्रकाश में अगर ये गाड़ी चलती है तो परमात्मा के और संसार के बीच में आपको गजब का संतुलन बैठ जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि संसार ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार है, सब कुछ गड़बड़ हो जाए। तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगेगा, क्यों कि संसार आपके लिए अस्तित्व हो गया। अब हर चीज अस्तित्व है आपके लिए, जो भी जीवंत चीज है वो तो कम से कम मुर्दा चीज भी अस्तित्व है, वो बहुत गहरे में समझ में आएगी, लेकिन हर चीज केवल अस्तित्व है और कुछ नहीं। और जब अस्तित्व है तो ये बात भी समझ में आ जाएगी कि ये परमात्मा से निकली हुई है, क्योंकि तुम अस्तित्व जब मानोगे तो तुम कहां से निकले, तुम्हें वो पहचान होने लगे, तुम्हें परमात्मा से प्रेम जुड़ जाएगा। तुम परमात्मा को देखो या न देखो, लेकिन परमात्मा से तुम्हारा गजब का प्रेम जुड़ जाएगा। और देखो लोग जैसे अभी गीत गा रहे थे तो परमात्मा को हमने देखा नहीं है, और जिस चीज देखा नहीं है उससे हमारा प्रेम जुड़ता है, गजब का खेल है। कितना आश्चर्य है कि जिसको हमने देखा नहीं है लेकिन उससे जब प्रेम जुड़ता है तो ऐसा भेलोरें आ जाती हैं कि आप भर भर जाती है। और जिसको तुमने देखा है, जिसको तुमने जाना है, उससे प्रेम जुड़े, कितने प्रेम जुड़े खटर पटर होने वाली, क्योंकि वो एकदम सीमा है। ऐसे बिल्कुल आप खिड़की में आके खड़े हो गए, ऐसी स्थिति होती। तो आप जब अपने को अस्तित्व की तरह जीने लगेंगे तो फिर परमात्मा के और आपके बीच में संतुलन बनेगा, गजब का संतुलन। पर बाबा आप जिस संतुलन की बात कर रहे हो ये तो जब तक बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो जाएगा, नहीं, नहीं। ये साधक के लिए संतुलन कहाँ है बाबा? देखो बुद्धत्व मुझे घटा ही नहीं, बुद्धत्व बुद्धत्व की बात छोड़ो, मैं साधारण आदमी, जब हेल्प मत पड़ो अभी सर, क्योंकि मैं जो है तुम्हारे जैसा आदमी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होते हैं। मैं बंद कर, ये जो समझ है, ये जो समझ है, ये भ्रम है कि बुद्धों में घटती है तुम्हें नहीं घटती, ये तुम्हें भ्रम है। पहले तो ये भ्रम को निकालो कि ये अब मैंने जो बात कही आपने टाल दी, ये हमारा कोई काम ही नहीं है। नहीं, नहीं बाबा मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि आप जिस संतुलन की बात कर रहे हैं वो संतुलन तो आपकी स्थिति में समझ में आएगा। हो रहा तो मैं वापस ले लेता हूँ। देखो मैं तुम्हारे जैसा खाता हूँ, तुम्हारे जैसा पीता हूँ, तुम्हारे जैसा परिवार चलाता हूँ, तुम्हारे जैसा ही